खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। एक और बड़ी खबर है भोपाल से, बता दें आपको, राहुल गांधी पर विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ रहा है। युवा कांग्रेस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, वहीं सभी जिलों में रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई की मांग भी की। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अब युवा कांग्रेस लगातार के कार्रवाई की मांग कर रही है केंद्रीय मंत्री पर, प्रदर्शन भी इसको लेकर देखने को मिलेगा आज? देखिए अंजलि, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कांग्रेस ने अपनी सियासत और रणनीति करने का तरीका थोड़ा सा बदला है। आक्रामक रवैये में तमाम जो कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे, खासतौर पर एनयूसीआई और युवा कांग्रेस विंग को खास एक्टिव किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा, केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करी, या शिवसेना के जो विधायक है उन्होंने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करी। दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी को आतंकवादी से तुलना करते हुए बताया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली थी हमें। कल भी हमने देखा तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अपने अपने जिलों में नवनीत बिट्टू के खिलाफ थाने में पहुंचे थे, शिकायत दर्ज कराने के लिए एफआईआर की मांग करी थी। जीतू पटवारी भी राजधानी भोपाल के टिटनगर थाने पहुंचे थे और वहां पे काफी देर तक पुलिस और जो है कांग्रेस नेताओं के बीच में चर्चा का दौर चला। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस नेता भड़कते हुए दिखाई भी दिए थे। आज भी यही स्थिति दिखाई देगी। युवा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने इस बात को लेकर अपना रोष भी प्रकट करा है और गुस्सा भी प्रकट करा है कि राहुल गांधी देश के नेता, और इस प्रकार की तुलना आतंकवादी से करना कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का अपमान है। ऐसे में युवा कांग्रेस आज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में नवनीत बिट्टू का पुतला फूंकते हुए दिखाई देगी, एफआईआर की मांग करेगी और खासतौर पर इस बात की चेतावनी दी जाएगी कि अगर दोबारा इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस अपने एक्शन में दिखाई दे रही है और कांग्रेस का स्पष्ट रूप से यह मत है कि अगर राहुल गांधी या तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी की जाती है तो एनएसयूआई यूथ जो वीक है वो चुनावी जो कहीं ना कहीं सियासी मैदान में दिखाई देगी। बहरहाल, दोपहर का वक्त मुकर्रर किया गया है। तमाम जिलों में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये इस बात की हिदायत भी दी और ताकीद भी दी गई कि बड़ी संख्या में तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हों, पुतला दहन करते हुए दिखाई दे। देखिए कांग्रेस अपनी एक पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है और अंजलि, कांग्रेस की रणनीति यही है कि किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा अगर कांग्रेस के हाथ में आए उसको छोड़े ना, और खासतौर पर बीजेपी के तमाम जो नेता है, वरिष्ठ जो पहले पंक्ति के नेता है, किसी प्रकार की अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं या केंद्रीय नेतृत्व के होते हैं तो उनको उनके ऊपर काफी जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त करें और जनता के बीच इस बात को लेकर जाए। युवा कांग्रेस आज वो करते हुए दिखाई देगी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। और अतुल, पूरी तरीके से कांग्रेस आक्रामक भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के।